नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर आ रही है कि LOC पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि भारतीय सेना का एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम करते हुए पाकिस्तान की एक चौकी जो है वो उड़ा दी है। राजौरी सेक्टर के विपरीत में पाकिस्तान की ये जो चौकी LOC पे पड़ती है, उसे भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में उड़ा दिया है। तो पाक की नापाक हरकत को एक बार फिर से भारतीय सेना ने यहाँ पे नाकाम किया है। इस कोशिश को लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन देखा जा रहा है, और पाक इस फिराक में है कि लगातार फायरिंग की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ कराया जाए, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू और कश्मीर में हालात जो हैं पहले से बेहतर हो रहे हैं। जी हाँ, फोन सेवाएं जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। जम्मू में 2G स्पीड के साथ इंटरनेट सेवा जो है वो भी शुरू कर दी गई है। जम्मू के अलावा बात करें तो सांबा, कठुआ, उधमपुर में 2G स्पीड के साथ जो इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो शुरू हुई हैं। राज्य में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। दफ्तर पहले ही खुल चुके थे, और आपको बता दें कि सोमवार से स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। प्रशासन ने फिलहाल यही जानकारी दी है कि सोमवार से स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ले जाने की पाकिस्तान की चाल जो है वो नाकाम रही है। भारत के स्थायी दूत अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जो है जिहाद के नाम पर जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, पाक को इस पर बोलने का कोई भी हक नहीं है। भारत ने जो भी फैसला लिया है वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए लिया गया है। तो एक बार पाकिस्तान की जो चाल थी UN में जाने की, वो भी नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि अकबरुद्दीन ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से उठाया है और ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जो है उसके मंसूबे साफ नहीं है, और पाकिस्तान की चाल को यहां पर नाकाम किया है अकबरुद्दीन ने। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान जो है वो तिलमिलाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे इस मुद्दे पर निराशा ही हाथ लग रही है। कोई रास्ता न देखते हुए पाकिस्तान अब अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर 20 मिनट लंबी बातचीत की, जिसके बाद ट्रंप ने कश्मीर मामले पर दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आपको बता दें, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्रियों की बैठक हुई। जी हां, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो शामिल हुए। कई और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो आज अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जो है अहम बैठक हुई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये बैठक थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री जो है शामिल हुए। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे हैं। 10 MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो खबर मिल रही है कि 2 दिवसीय ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का भूटान में, उसमें 10 MOU पर साइन होने हैं। वहीं 5 परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जब सत्ता पर में लौटे हैं, उसके बाद ये पहली भूटान यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2 दिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जो है 10 MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके अलावा PM मोदी जो है 5 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। PM मोदी भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित भी करेंगे। और चलिए अब बात करेंगे अरुण जेटली की। एम्स में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को देखने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एम्स पहुंचे। एम्स पहुंचकर उन्होंने अरुण जेटली का हालचाल जाना।
अरुण जेटली आपको बता दें काफी समय से बीमार चल रहे हैं। 9 अगस्त को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। लगातार मंत्रियों का सिलसिला जो है जारी है एम्स पहुंचने का, और अरुण जेटली से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, डॉक्टरों से हालचाल लिया जा रहा है क्योंकि काफी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है अरुण जेटली की। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं कपिल मिश्रा की। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। कपिल मिश्रा कई बार आम आदमी पार्टी का विरोध करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने को लेकर कई बार सुर्खियों में भी रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में होते हुए भी बीजेपी की तारीफ करते नजर आए हैं कपिल मिश्रा, और कई बार सुर्खियां भी बटोरी हैं कपिल मिश्रा ने, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी। सदस्यता रद्द होने के फैसले को कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती भी दी है, और आज वही कपिल मिश्रा बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है, सदस्यता ग्रहण कर ली है बीजेपी की। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद स्थित पंजाबी धर्मशाला में अमर शहीद मदन लाल धींगड़ा की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने अखिल भारतीय अरोड़ा खत्री क्षत्रिय महासभा जींद को 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ भी की। मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे प्रॉपर भाई अमित भाई शाह जो आज उसी गुजरात की धरती से आकर के दिलदार सूरबुज वाले हिम्मत वाले एक ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला सपना था जो पार्टी बचा हुआ था उसको पूरा किया। मदन लाल धींगड़ा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो मन में विचार करिए आज आने वाली पीढ़ी उसको भी संस्कार दे उसको भी प्रेरणा दे। क्या देश पहले मैं बाद में, ये अगर मन में संस्कार आ गया तो इस देश का कोई बागवाना नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने तपसी धाम में संतों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार तपसी धाम के दौरे पर हैं। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे में तपसी धाम जो पहुंचे उन्होंने संतों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। अगली खबर यूपी के संभल से है, जहां पर ऑटो वाले की पिटाई का एक वीडियो जो है वो सामने आया है। महिला ने ऑटो वालों की जमकर पिटाई की है। महिला के साथ राहगीर भी ऑटो चालक को मारने में जुट गए। जी हां, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देखिए किस तरह से महिला और लोग जो हैं वो ऑटो वाले की पिटाई कर रहे हैं। ऑटो चालक पर आरोप है कि उसने पैसे तो ले लिए लेकिन महिला को उसकी मंजिल तक नहीं पहुँचाया। ऑटो वाले ने महिला को बीच रास्ते में ही उतार दिया था। आधे घंटे तक ये ड्रामा जो है वो चलता रहा। मौके पर पुलिस पहुंचती है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर हिमाचल से है। हिमाचल प्रदेश में मंडी से पहाड़ दरकने का लाइव वीडियो जो है वो सामने आया है। भूस्खलन की ये घटना कितनी भयावह है ये वीडियो आप देखिए, आप भी अंदाजा लगाएंगे कि आखिरकार कितनी भयावह ये स्थिति थी। गनीमत ये रही कि कोई भी इस भूस्खलन की चपेट में नहीं आया। बताया जा रहा है कि गोहर से न्योरी जाने वाली सड़क पर पहाड़ी से पहले पत्थरों के गिरने का जो सिलसिला वो शुरू हुआ था जो देखते ही देखते खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए R9 TV। नमस्कार।